नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। एबीवीपी द्वारा हर जगह चलाया जा रहा परिषद की पाठशाला। प्रभु सिंह कुणाल, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट औरंगाबाद से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हर जगह परिषद की पाठशाला अभियान चलाया जा रहा है। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रफीगंज इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शुभम सिंह के कथना अनुसार उनके कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जगहों पर परिषद के पाठशाला के माध्यम से वैसे छात्र जो ऑनलाइन पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है या फिर लॉकडाउन के कारण फी देने में असमर्थ है, वैसे छात्रों को परिषद के पाठशाला के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वही आज रफीगंज इकाई के भदुकीकला पंचायत के खैरा मझौली गाँव में आरजू मिश्रा के नेतृत्व में आज से पाई आरम्भ हो चुका है। आरजू मिश्रा का कहना है कि आज ही परिषद के पाठशाला में 9 इच्छुक विद्यार्थी परिषद के पाठशाला द्वारा अपनी शिक्षा ग्रहण किए और उन्होंने बताया कि एक बैच में 9 सेकंड 10 विद्यार्थी को ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी को लेकर पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बच्चों के बीच शिक्षा दी जाएगी। यदि और इच्छुक विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए और अलग अलग बैच बनाए जाएंगे। इस काम के लिए हमारे गाँव के बहुत सारे युवा भाई बुद्धिजीवी लोग सहयोग करने के लिए बोले हैं। मैं आरजू मिश्रा, नगर कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रफीगंज औरंगाबाद बिहार। विगत दिन पहले मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के बीच जानकारी दिया था कि बहुत जल्द अपने इकाई रफीगंज में भी परिसर के पाठशाला के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा जो ऑनलाइन पढ़ाई करने से असमर्थ है। तो आज रफीगंज के भारतीय कला पंचायत के खैरा मंझोली गांव में आज से परिसर की पाठशाला के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। आज जिसमें हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, उनकी लिस्ट इस प्रकार है। जैसे आज 9 से 10 छात्र लोग हमारे पाठशाला से जुड़े हैं और उनको शिक्षा दी गई है। और भी आगे जब एक बैच में 9 या 10 लड़कों को रखना है, और भी आगे मैं सभी बच्चों लोग से, गार्जियन लोग से अपील करूंगा कि इसके साथ जुड़े और अपने बच्चों को हमारे पाठशाला में भेजे, और इसके लिए कोई फी नहीं रहेगा, ये निशुल्क है। और इसके लिए 9-10 बच्चा से अगर अधिक होते हैं तो इसके लिए एक और अलग बेच बनाया जाएगा, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे भाई बंधु मेरे हमने सहयोग किए हैं और बोले हैं कि हम भी इसमें आप लोग को मदद।